अर्थ करी च विद्या। भगवान के वक्षस्थल में भृगु जी ने पादप प्रहार किया, चरण का प्रहार किया, तो लक्ष्मी जी भगवान से रूस गई। आप ऐसे हो, घर बैठे लोग आपको लात घूंसा तक कर जाते हैं और आप मुस्कुराते रहते हो, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। सरस्वती जी पार्वती जी हमको उलाहना देती हैं कि तुम्हारा पति कैसा है, कुटेला है, कुटने पिटने वाला है, कुछ नहीं, खाली क्षमा क्षमा लिए बैठा है, तो हमको लज्जित होना पड़ता है। भगवान बोले क्या करें फिर बताओ देवी। बोले ऐसे नहीं, उनको महात्मा को सबक सिखाओ, ब्राह्मणों को संतों को सबक सिखाया जाएगा, क्या कहती हो देवी। का देखो, सिखाओगे सबक तो मैं सबक सिखाऊंगी, मैं अपने पति का तिरस्कार सहन नहीं कर सकती। भगवान बोले तुम्हारी तुम जानो, कभी तिरस्कार हम नहीं कर सकते, कुछ भी करें, क्योंकि ये मेरे पूज्य हैं, मेरे उपास्य हैं, मेरे द्वारा इनके विरुद्ध कभी कोई क्रिया नहीं हो सकती। लक्ष्मी जी ने कहा ये ब्राह्मण जिनको आप इतना मानते हो यही तुम्हारी छाती में लात मारते हैं, तो मैं अब शाप देती हूं ब्राह्मणों को। इतना नाराज थी लक्ष्मी, ये धनहीन हो रहेंगे, इनके पास संपत्ति नहीं रहेगी, ये दरिद्र रहेंगे, भिक्षुक होकर के घूमेंगे। शाप देती भृगु जी ने सुना, ब्राह्मणों ने कहा महाराज झगड़ा तो आपका, उनका झगड़ा तो नहीं, परीक्षा के लिए आप तो गए थे और पूरी की पूरी ब्राह्मण जाति को श्राप दे दिया गया, तो बहुत अन्याय है, तो ठीक नहीं। भृगु जी ने कहा अब माता जी ने श्राप दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं, हम उपाय करते हैं। तो उन्होंने एक ज्योतिष शास्त्र बनाया जिसका नाम है भृगु संहिता। एक बाजार में मिलती इतनी मोटी पुस्तक भृगु संहिता, वो भी ठीक, किसी अंश में उसका फलादेश भी ठीक है, पर वो मूल भृगु संहिता नहीं है। मूल भृगु संहिता किन्हीं किन्हीं के पास है, भारतवर्ष में गिनी चुने स्थलों पर भृगु संहिता है। पंजाब में होशियारपुर में पूज्य पंडित श्री अमृतानंद भृगु शास्त्री जी थे, उनके पास भृगु संहिता थी, अभी उनके परिवार में है। पंडित श्री अमृतानंद भृगु शास्त्री जी की गृहिणी माताजी संत ही हैं, वो बहुत नाम जपती हैं, संतों में उनकी अगाध श्रद्धा है, स्वयं संस्कृत की विदुषी हैं और ज्योतिष शास्त्र की विदुषी हैं, श्री पंडित स्नेहलता भृगु शास्त्री, अति वृद्ध हैं इस समय, तो वो भी हैं ज्योतिष की विदुषी हैं। वहाँ काशी में पंडित श्री गया प्रसाद जी दैवज्ञ थे, उनके यहाँ भृगु संहिता थी। अब उनके यहाँ कोई काम नहीं करता, घर में अभी विराजमान है, दर्शन करके आए। उड़ीसा में जाजपुर एक जगह है, वहाँ भी है, और राजस्थान में भीलवाड़ा कारोई में पंडित श्री नाथूलाल शास्त्री जी, उनके यहाँ भी भृगु संहिता है। और भी कहीं होगी तो हमको पता नहीं, इतनी जगह का हमको पता है। एक एक अंश ही है, हमने महाराज जी से सुना है कि पूरा ग्रंथ तो इतना बड़ा है कि एक बैलगाड़ी में आवे, एक एक अंश है उसका। भृगु जी ने ऐसा ग्रंथ बनाया, अब तक जितने लोग पैदा हो चुके हैं, जितने लोग हैं और आगे जितने लोग पैदा होंगे, सबकी कुंडली है उसमें। कैसा विचित्र ज्योतिष है, बस नंबर मिल जाए आपका, फिर सब मिल जाएगा। किसी का एक ही बार में पूरा हो जाता, किसी का दस दस बीस बीस बार में पूरा नहीं होता, विचित्र है महाराज सब कारोबार। वहां हमारे रेवासा महाराज, उन्होंने एक अनुष्ठान किया, हनुमान जी का अनुष्ठान था, रेवासा में ही किया।
और वो अनुष्ठान सकाम नहीं था। यही भावना थी कि हनुमान जी कृपा करें तो जिस पवित्र पूज्य श्री अग्र जी की परंपरा में हैं तो हम आगे बढ़े इस मार्ग में। तो अनुष्ठान के बीच में आ गया नाग, आ गया, अनुष्ठान पूरा होने वाला था। तो महाराज बड़े डरते वरते नहीं किसी से, बड़े दबने वाले होते तो यहां जम ही नहीं पाते, अच्छे हैं। तो अनुष्ठान में थे लेकिन उन्होंने देखा कि नाग आए तो डंडा उठाया उन्होंने, जैसे ही डंडा उठाया कि वो अंतर्धान हो गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल सामने से गायब, कैसे गायब हो गए। कमरा तो छोटा सा ही, सामान भी कोई वहां था नहीं कि यहां घुस गया वहां घुस गया, पक्का कमरा, अंतर्धान कैसे हो गया ये। खैर अनुष्ठान तो पूरा हुआ, अब हो गए कारोई पंडित जी के यहां। उन्होंने पोथी अपनी खोली तो बोले उन्होंने आपने अमुक मुहूर्त में अनुष्ठान किया था और अमुक समय में इस मुहूर्त में एक नाग आया था, तत्र दंड धारणम उसमें पोथी में लिखा था, तुमने डंडा उठा लिया, वो नाग नहीं था, वो हनुमान जी थे। यदि स्तुति करते डरते नहीं, डंडा नहीं उठाते तो वहीं वो प्रकट होकर कृपा कर देने वाले थे, लेकिन आपने डंडा उठा लिया चले गए। अब ये बताओ आपको कि वो अनुष्ठान यहाँ कर रहे हैं उनको वहाँ कैसे पता चला। वो कहते हमारा कोई तंत्र मंत्र नहीं है, पुस्तक में जो लिखा है वो है, भृगु संहिता में जो लिखा मिला है वो है। तो भृगु जी ने कहा जिस ब्राह्मण को ज्योतिष शास्त्र का बोध होगा, हमारा शास्त्र का ज्ञाता जो ब्राह्मण होगा उसके चरणों में तुम्हें लौटना पड़ेगा, तुम्हारा श्राप नहीं चलेगा वहाँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और उस एक ब्राह्मण के संपत्ति से न जाने कितने ब्राह्मणों का भरण पोषण, कोई गरीब नहीं रह जाएगा, तुम चिंता मत करो।